नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाते हैं, सिंप्लीफाइड ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज आपको देते हैं। और आज हम बात करेंगे फ्लू वैक्सीन के बारे में। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, अब आए दिन फ्लू हुआ करेंगे, हर गली फ्लू होंगे और एक से दो, दो से चार सबको फैलेंगे। घर में एक को हुआ तो एक एक करके सबको होता है फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सर्दी, खांसी आप जिसे कहते हैं। सो ये एक्चुअली में इसके ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो था कि फ्लू क्या है, कोल्ड क्या है, कफ क्या है। आप चाहें तो वो बीमारी के बारे में जानने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट में अगर बताना हो तो फ्लू एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो आपकी सांस की स्टार्टिंग से लेके लंग्स तक फैल सकता है, कहीं भी हो सकता है। और फ्लू बेसिकली होता है एक वायरस के वजह से, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा फ्लू एक वायरस है और ये वायरस के बहुत सारे प्रकार हैं, राइट। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, और ए में भी कई प्रकार, H1N1, HBA2, H3N2, ऐसे ऐसे बहुत सारे, बी के भी बहुत सारे प्रकार हैं। और खास बात यह है कि हर साल ये वायरस चेंज होता है, इसमें एक म्यूटेशन, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है। तो हर साल जब वायरस की एंटीजेंस चेंज होते हैं तो आपके शरीर जो है उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता, इसलिए हर बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। और ये नया वायरस के लिए आपके शरीर को प्रिपेयर करने के लिए वैक्सीन दी जाती है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वायरस खतरनाक भी हो सकता है। ये निमोनिया से लेके, सिंपल डिहाइड्रेशन से लेके निमोनिया, शॉक, किसी को ब्रेन में एनसेफेलोपैथी, किसी को एक्चुअली अस्थमा का मेजर अटैक, किसी को अस्थमा, हार्ट की बीमारी हो, वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाना, राइट, इवन डेथ, राइट, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी पैदा कर सकती है इस पर्टिकुलर बीमारी के वजह से, राइट। और वो ज्यादातर लोगों को जिनको ये कोल्ड का फ्लू होता है उन्हें बिना किसी इलाज के अपने आप 2 हफ्तों में, 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन बात यहाँ ज्यादातर नहीं उन लोगों की हो रही है जो ज्यादा बीमार हो जाते हैं और कई लोगों में ये बहुत सीरियसनेस ले लेते हैं। सो बात आती है कि मल्टीपल वायरसेस हैं, मल्टीपल चीजें हैं, हर बार वायरस चेंज भी हो रहा है। सो हम वैक्सीन लेके अपना रिस्क कम कर सकते हैं कि वैक्सीन से क्या बेनिफिट होगा, क्यों जरूरी है। नंबर वन, वैक्सीन लेने से आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे उस वायरस, उस पर्टिकुलर वायरस जिसके लिए वैक्सीन ली, उसके साथ आपको फ्लू नहीं होगा, उससे आपको इन्फेक्शन या उससे बीमारी नहीं होगी। मान लीजिए हो भी जाए, क्योंकि उस समय आपने, हो सकता है दूसरे टाइप का वायरस आपको लग गया और जिसकी वैक्सीन ली वो नहीं लिया, राइट, हो सकता है आपके वायरस अलग हो। इसीलिए हर साल रिसर्चर, साइंटिस्ट उधर के उस टाइम के उस एरिया के जो प्रोबेबल वायरस आएगा वहां पर, उस प्रोबेबल वायरस के लिए वहां के लिए वैक्सीन तैयार करते हैं और हर साल नई वैक्सीन आती है। जी हाँ, राइट, इसीलिए हर साल नई वैक्सीन, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ वायरस इसके लिए लगाए लेकिन दूसरे से हो गए तो चांसेस हैं हो जाना, इसलिए मोस्ट कॉमन वायरस इसके लिए लगाई जाती है। फिर भी लगाने के बावजूद भी आपको फ्लू हो सकता है, लेकिन अगर वैक्सीन लगाई है तो फ्लू होगा कम, कम सीवियर होगा, जल्दी ठीक होगा, ज्यादा बीमारी नहीं होगी, ज्यादा दिन नहीं होगा, ये एडवांटेज है, समझ लें। और एडवांटेज ये है कि होगा तो आपको भर्ती नहीं होना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज नहीं होगा। सो फ्लू वैक्सीन बहुत एडवांटेज है बच्चों से लेके बड़ों तक, प्रेगनेंसी से लेके नॉर्मल तक, राइट। सो आइए बात करते हैं फ्लू वैक्सीन के बारे में, किसमें लगानी चाहिए, किसमें नहीं लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, कौन कौन से प्रकार की वैक्सीन है, साइड इफेक्ट क्या है, राइट, सब चीजें बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन आती है, ये बेसिकली आपके शरीर में जाने के बाद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज। ये वैक्सीन कुछ और नहीं, या तो फ्लू के वायरसेस लेके उन्हें मार दिया जाता है, किल्ड वायरस, यानी
इनएक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड वायरस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यानी IIV इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक टाइप हुआ। दूसरा या तो वायरस नहीं सिर्फ वायरस के अंदर से थोड़े से प्रोटीन निकाल लिए, वो प्रोटीन निकाल के आपको इंजेक्ट करा, वो कहते हैं रिकॉम्बिनेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। या फिर एक्चुअल वायरस की जो एक्टिविटी है लाइव वायरस लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन राइट, यानी उसकी एक्टिविटी कम कर दी, उसकी सीरियसनेस उसकी जो रोग करने की क्षमता है वो बहुत ही कम कर दी और फिर वो आपको दी जाए ताकि आपको बीमारी जरा सी हो लेकिन फिर आपको अगली बार वो वैक्सीन वो वायरस आएगी तो आपको कोई असर नहीं होगा। तो उसे कहते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन LAIV। ये तीन प्रकार की वैक्सीन आती है और ये तीन प्रकार की वैक्सीन हर वायरस के लिए बनाई जा सकती है, हर इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। जो मोस्ट कॉमन वैक्सीन आती है दुनिया भर में एक तो है ट्राइवेलेंट वैक्सीन। ट्राइवेलेंट का मतलब उसमें तीन प्रकार के मोस्ट कॉमन इन्फ्लुएंजा तो सबसे सीरियस खतरनाक इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं H1N1 H3N2 और इन्फ्लुएंजा B। ये दोनों H1N1 H3N2 इन्फ्लुएंजा A हुआ और इन्फ्लुएंजा B एक तीन कॉम्बिनेशन का वैक्सीन होती है ट्राइवेलेंट वैक्सीन। उससे ऊपर आती है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन। तो क्वाड्रीवेलेंट जो होती है उसमें इन तीनों के साथ एक और इन्फ्लुएंजा B का सबटाइप ऐड हो जाता है। सो ये हुई टाइप्स ऑफ वैक्सीन और उसमें भी जैसे मैंने कहा एक तो इनएक्टिवेटेड हो सकती है, रिकॉम्बिनेंट हो सकती है, लाइव एटेन्यूएटेड हो सकती है। देखिए रिकॉम्बिनेंट जो होगी जिसमें के वायरस का प्रोटीन दिया वो बच्चों में नहीं दे सकते, वो 18 साल की उम्र के ऊपर वाले को देते हैं। जो लाइव एटीन्यूएटेड होगी लाइव एटीन्यूएटेड नेजल स्प्रे से दी जा सकती है, नेजल स्प्रे उसके लिए फ्लू शॉट इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती लेकिन लगा भी सकते हैं, बट लाइव एटीन्यूएट बेसिकली नेजल स्प्रे से दी जाती है वो लेकिन 2 साल से लेके 49 ईयर्स तक 49 ईयर्स तक दे सकते हैं उसमें, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज में लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन नहीं देते प्रेगनेंसी में। और तीसरी चीज जिस जो लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर एस्पिरिन या सैलिसिलिक एसिड टाइप मेडिसिन ले रहे हैं उनको नहीं देते क्योंकि उनकी ब्लीडिंग हो सकती है, उनको नेजल साइड इफेक्ट हो सकते हैं बिकॉज नेजल स्प्रे वाली वैक्सीन से नाक में कुछ लिमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, वो साइड इफेक्ट है नाक में क्योंकि वो वैक्सीन की जो एक्टिविटी है इतनी कम कर दी जाती है कि वो सिर्फ ठंडे एनवायरनमेंट में झेलेगा या नाक में झेलेगा, वो लंग्स में गर्म में नहीं जी सकता तो लंग्स में जाते ही मर जाएगा। तो इससे नाक नाक में रहेगा तो थोड़े दिन के लिए आपको वहां पर सर्दी हो सकती है, नाक थोड़े से रनिंग नोज सा हो सकता है, थोड़ा कभी कभार इधर उधर दर्द हेडेक वेडेक राइट नोजिया वोजिया हो सकता है। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन नेजल स्प्रे का ये साइड इफेक्ट है राइट, और नेजल स्प्रे 2 साल से 49 ईयर्स तक दे सकते हैं। फ्लू शॉट जो है इंजेक्शन राइट, तीन तरीके से दे सकते हैं वैक्सीन का। तो फ्लू शॉट है, एक जेट इंजेक्टर आता है और एक नेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे से आपको लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन देते हैं, बाकी रिकॉम्बिनेंट और इनएक्टिवेटेड दोनों से देते हैं, फ्लू शॉट से भी जेट इंजेक्टर से भी। सो बात आती है कि फ्लू शॉट्स या जेट इंजेक्टर किसमें नहीं देने चाहिए, किसमें देने चाहिए किसमें नहीं देने चाहिए राइट। नंबर वन, हर इंसान जो 6 महीने से बड़ा है, 6 महीने से ऊपर के बच्चे से लेके बूढ़े से बूढ़े तक सबको सबको हर साल फ्लू वैक्सीन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगनी चाहिए। 6 महीने से नीचे के बच्चों को नहीं लगाते क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं वैक्सीन को हैंडल करने के लिए, तो उनके लिए उनको बचाने के लिए उनके इर्द गिर्द उनके आसपास के लोगों को वैक्सीनेशन लेनी चाहिए क्योंकि अगर आसपास किसी को हुआ फ्लू इन्फ्लुएंजा तो उनके छींकने से उनके खांसने से बच्चे को हो जाएगा, इसलिए आसपास के लोगों को लगानी चाहिए ताकि आसपास के लोगों को ना हो ठीक है। और 6 महीने से ऊपर बच्चे को लगानी चाहिए सब, और इसका एक डोज लगता है हर साल, एक इंजेक्शन हर साल। और अगर बच्चा है 6 महीने से लेके 8 साल तक, कोई लोग कहते हैं 6 से 4 साल कोई 5 साल लेकिन 8 साल रेकमेंडेड है, 6 महीने से 8 साल तक का बच्चा है और पहली बार फ्लू वैक्सीन ले रहा है जिंदगी में, पिछले साल नहीं लिया था, तो उसको 2 इंजेक्शन लगेंगे, एक पहला और एक लगेगा 4 हफ्ते के बाद 28 दिन के बाद। दूसरा सेम शॉट फ्लू शॉट का जो भी लग रहा है, क्वाड्री अगर क्वाड्री वैक्सीन लग रही है या ट्राइवेलेंट वैक्सीन लग रही है, दोनों ही एक से पहले लगेगा एक, फिर 4 हफ्ते के बाद एक और,
वो दो इसलिए लगते हैं ताकि फर्स्ट वाला उसको प्राइम कर देता है, सेकंड वाला एक्चुअल इम्यूनिटी देता है, ठीक है। सो पहली बार लगाएंगे अगर बच्चों को 6 महीने से लेके 8 साल तक, तो 2 लगेंगे और उसके बाद हर साल 1 ही लगेगा, ये बात याद रखिए। फ्लू वैक्सीन, और हर वैक्सीन जो बनती है उसकी टेस्टिंग और उसकी रिकमेंडेशन होती है कि ये इतनी उम्र से इतनी उम्र के बीच में देना है। कुछ वैक्सीन स्पेशली बनती है 65 साल के ऊपर के लोगों के लिए, कुछ स्पेशली बनती है सिर्फ बच्चों के लिए, कुछ स्पेशली बनती है जिनको एग एलर्जी होती है उनके लिए, क्योंकि ये वैक्सीन जो होती हैं ये ग्रो होती है अंडे में, एग्स में, तो इसीलिए एग एलर्जी वाले जो होते हैं उनको नहीं दी जाती डायरेक्टली, उनके लिए स्पेशल वैक्सीन आती है जिसमें जैसे कि एक आती है RIV रिकॉम्बिनेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 4, या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दे सकते हैं, या फिर LAIV4 ऐसे आती है, वो जो अंडे में एग एलर्जी वाले लोगों को देनी। और कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें आपको नहीं लेनी है वैक्सीन, या फिर डॉक्टर से बात करनी है लेने से पहले, जैसे कि अगर आपको गुलेनबारे सिंड्रोम है, GBS अलग से एक बीमारी है, अगर गुलेनबारे सिंड्रोम है, या आप बीमार हैं, आपको बुखार है, आपको अस्थमा है, आपको कोई भी बड़ी बीमारी है, तो आप वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करेंगे, खासकर फीवर, या फिर अगर आपको हिस्ट्री है कि आपने पिछले साल ये वैक्सीन ली थी और आपको मेजर रिएक्शन हो गया, कोई भी मेजर रिएक्शन हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन या रिएक्शन, तब आप इसे नहीं लेंगे बिना डॉक्टर की सलाह के। तो ये हुई किसको लेना है और किसको नहीं लेना, लेना सबको है, ठीक है, डॉक्टर से बात करके। प्रेग्नेंट लोगों को प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको फ्लू हो गया, वो सीरियस हो गया, लंबे फैल गया, तो बच्चे पे भी माता पे भी दोनों पे बुरा असर पड़ेगा। प्रेगनेंसी में लाइव एटेन्यूएटेड वाली नहीं लगाते हैं, इनएक्टिवेटेड या रिकॉम्बिनेंट लगा सकते हैं, और प्रेगनेंसी में सिर्फ फ्लू शॉट लेना है, नेजल वाला नहीं लेना, बेसिक चीज। और इसका प्रेगनेंसी पर या मिसकैरेज होने का कोई रिस्क नहीं होता, प्रेगनेंसी पे कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ये हुई बात इसकी, ठीक है। दूसरी बात, इफेक्टिवनेस, क्या ये 100% इफेक्टिव है? नहीं, ये सिर्फ आपके चांसेस कम करता है, इसके बावजूद आपको फ्लू हो सकता है, राइट। ये हर साल वेरी करता है, ये डिपेंड करेगा आपकी उम्र, जिसने लगाया उसकी उम्र, उसकी हेल्थ, वो कितने अच्छे से इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बनाता है, और तीसरी चीज पे डिपेंड कर देगा ये वायरल मैच पे, कि आपके इलाके में जो वायरस घूम रहा है क्या उसी की वैक्सीन, उसी वायरस के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन आपने लगाई या नहीं, इस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए लोकल डॉक्टर से बात करनी जरूरी है, क्योंकि वो देखेगा कि हाँ अब ये चल रहा है, इसकी वैक्सीन लगाओ। तो इसलिए वायरल मैच बहुत जरूरी है, एज हेल्थ देखी जाती है, एज हेल्थ के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, राइट। और इसके बावजूद जिन वैक्सीन, जिस वायरस के लिए वैक्सीन लगाए उसके अलग वैक्सीन, उसके अलग वाला वायरस आपको लग सकता है, बावजूद अगर वही वायरस है फिर भी बीमारी हो सकती है, लेकिन वो कम सीरियस बीमारी होगी, ये बात याद रखिए। और कोई भी इस तरह की वैक्सीन जो लगती है, इमीडिएट इफेक्ट नहीं शुरू होता उसका, उसको 2 हफ्ते लगते हैं, जैसे ही वैक्सीन लगाओगे उसके 2 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडीज बनने में, आपकी इम्यूनिटी शुरू होने में। सो 2 हफ्ते बाद आपको प्रोटेक्ट करेगी वो वैक्सीन, तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी लगाना है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसको रिकमेंडेशन ये कहता है कि अक्टूबर के एंड में लगा लो, नहीं लगाया तो फिर भी जनवरी तक भी लगा सकते हैं, लेकिन जब भी लगाओगे उसके 2 हफ्ते के बाद आपको प्रोटेक्ट करना शुरू करेगी ये वैक्सीन, और उस 2 हफ्ते में भी आपको फ्लू हो सकता है। तो ये बात याद रखिए, इवन इफ आपको फ्लू हो चुका है, इवन इफ हो चुका है, फिर भी आप वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन फ्लू ठीक होने के बाद, क्योंकि हो सकता है फ्लू किसी एक वायरस की वजह से हुआ है, आप बाकी के वायरसेस के लिए वैक्सीन लगा सकते हो, बात समझे। और इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो फ्लू शॉट जो होता है, इंजेक्शन होता है, उसके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ सिवाय फ्लू शॉट जो होता है, पहली चीज फ्लू शॉट से फ्लू नहीं होता, फ्लू वाली वैक्सीन से आपको फ्लू, आपको कोल्ड नहीं हो सकता, सिवाय जो लाइव वाला है, लाइव वाले से सिर्फ नाक में होगा थोड़ा सा, ठीक है, और फ्लू शॉट इंजेक्शन से तो नहीं होगा, ज्यादातर मसल में लगते हैं। और फ्लू शॉट में क्या होता है, वहां पे इंजेक्शन लगा तो इंजेक्शन दर्द करेगा, सूजन आ सकती है, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, मान लीजिए इंजेक्शन के अलावा आपको थोड़ा सा माइल्ड सा फीवरिश फील हो सकता है, वो ठीक हो जाएगा बहुत माइल्ड सा, राइट। ये मेजर साइड इफेक्ट होते हैं, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ नेजल स्प्रे वाले में से, जैसे मैंने बताया था, रनिंग नोज हो सकता है, थोड़ा नाक में
रनिंग के अलावा सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती, खांसी तो नहीं होगी, सर्दी होगी, और हेडेक हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, तो माइल्ड सब साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये हुई बात सारी वैक्सीन की। फ्लू वैक्सीन सबने लगाना चाहिए और अपने जो वहां के मेन पीडियाट्रिशियन है उनसे बात करके लगाइए, क्योंकि पीडियाट्रिशियन को ये नॉलेज रखना बहुत जरूरी है कि उस इलाके में कौन से वायरसेस आ रहे हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों में ये बीमारी सबसे खतरनाक होती है। बच्चों में भी निमोनिया ज्यादा हैवी हो जाता है, बच्चों में ही एडमिशन और जो एनसेफेलोपैथी डेथ रेट होते हैं बच्चों में और बूढ़ों में ज्यादा होते हैं। तो 65 साल से ऊपर हैं या बच्चे हैं तो जरूर जरूर लीजिए, पर के 6 महीने के ऊपर सबको लेना चाहिए, हर साल लेना चाहिए। सो मेक श्योर करिए आप अपने डॉक्टर से जाके बात करें और वैक्सीन लीजिए। ये वैक्सीन के बारे में ये सारी जानकारी हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसको शेयर जरूर करिए, लाइक करिए वीडियोज को और देख करिए डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।